वेलकम टू एड्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इकोनॉमिक्स का एक नया वीडियो लेकर आया हूं मैं, जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बताने जा रहा हूं पूरे डिटेल से। ये जो टॉपिक है ये भी बिहार बोर्ड 2019 में आने की पूरी संभावना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को भी आप लोग ध्यान से देखेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे, बीच में आप हटेंगे नहीं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूजफुल है आपके लिए, स्पेशली वो स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड 2019 कॉमर्स के हों और इकोनॉमिक्स एग्जाम को देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट और कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में सारा डिटेल्स जो भी पॉसिबिलिटीज थी हमने आपको दिया। नेक्स्ट टॉपिक अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हमारा टॉपिक है आर्थिक क्रिया, और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक बहुत अच्छी बात यह है कि चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, उन दोनों ही ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इंग्लिश में भी कंटेंट को लिख दिया है और हिंदी में भी कंटेंट को लिख दिया है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वो सारी क्रियाएँ जिनसे इनकम जनरेट होती है, वे सारी क्रियाएँ जिनसे धन का जन्म होता है, वो आर्थिक क्रिया कहलाती है। लेकिन इसको थोड़ा हम लोग मॉडिफाइड वे में पढ़ेंगे कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इनकम जनरेट होगा तभी आर्थिक क्रिया वो कहलाएगा। तो पहले हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है, लेकिन इसको हम लोग और थोड़ा मॉडिफाइड तरीके से पढ़ेंगे बोर्ड के पर्पस के लिए, जो रियल फैक्ट्स है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए हम लोग समझते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। मतलब जो सीमित साधन है उनका इस प्रकार से उपयोग ताकि मानव को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। इन द सेंस, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। तो मानव की जो चाहत है, मानव की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए की गई वो सारी क्रियाएं, इट मीन्स जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका जो इस्तेमाल करना, ये क्या कहलाता है, आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसी को हम लोगों ने थोड़ा हिंदी में लिखा है, आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों का उपयोग है। इट मीन्स मानव की जो आवश्यकताएं हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनका जो उपयोग करते हैं, ये आर्थिक क्रिया कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। सभी आर्थिक क्रियाएं, सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्थिक क्रिया से रिलेटेड, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी डू नॉट जेनरेट इनकम। मतलब सभी आर्थिक क्रियाएँ आय का सृजन नहीं करती। तय बात है कि हर एक आर्थिक क्रिया आय का सृजन करे ये कोई जरूरी नहीं है। इट मीन्स आय का जन्म हो तभी आर्थिक क्रिया कहलाएगा, ये आवश्यक नहीं है। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्रकार, जो आर्थिक क्रिया है वो कितने प्रकार का होता है, कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग आइए समझते हैं। जो काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो सबसे पहला तरीका, पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है उत्पादन। उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। उत्पादन इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्शन। तो उत्पादन का मतलब समझिए, जब किसी भी चीज़ में, जब किसी भी वस्तु में उपयोगिता का सृजन, यूटिलिटी को क्रिएट कर दिया जाता है तो वो उत्पादन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बना दें तो उसकी उपयोगिता क्या हो गई, बढ़ गई, उसमें यूटिलिटी आ गया उसमें। या कपड़े से आपने ड्रेस बना दिया तो क्या हो गया, उसमें उपयोगिता बढ़ गई। दूध से आपने मिठाई बना दिया तो क्या हो गया, उसकी उपयोगिता बढ़ गई। तो इट मीन्स जैसे ही वस्तु की वस्तु में उपयोगिता का सृजन कर दिया जाता है या उसका मूल्यवर्धन कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, प्रोडक्शन, क्या कहलाता है, उत्पादन। आइए आगे की बात करते हैं। जो दूसरा आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया का जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है उपभोग। क्या है वो, उपभोग, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजम्पशन। क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। जब वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं हम लोग तो क्या कहलाता है, उपभोग। जो भी वस्तु और सेवा है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है, उपभोग, कंजम्पशन कहलाता है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है विनिमय, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सचेंज। विनिमय, एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब लेन देन। इट मीन्स कुछ चीज़ के बदले कुछ। नेक्स्ट आइए निवेश, जो चौथा पॉइंट है निवेश, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स, ये आपका काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी को कितने वर्गों में बांटा गया वो मुख्य वर्ग हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि हमारा ये वीडियो आपके, आपको बहुत
फ़ायदा पहुंचाने वाला है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड्स के भी शेयर करेंगे इंस्टा, फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से। और इन द सेंस कि आज के लिए इतना ही, लगातार तैयारी करते रहिए, लगातार अब कुछ ही दिन बचे हैं और भी पेपर्स, उसके बाद आपके पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आप नए दौर में आएंगे, नया टारगेट करेंगे। अभी लगातार तैयारी में बने रहिए, पूरी ताकत झोंक दीजिए। स्पेशली मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप जितना भी पॉसिबल हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको 50 में 50 देने वाला है, अगर आपने ढंग से तैयारी कर लिया तो 50 में 49, इट इन 50 में 49 नहीं होगा अगर आपने ढंग से तैयारी कर ली। और वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आपको मदद करेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर्स को भी करने में वो काफ़ी मदद करेगा। ये बात मैं अपने सारे वीडियोज़ में बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।